जैत गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से जौ की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। समीप ही गेहूं की फसल में भी आग लग सकती थी। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बता दें कि खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर से निकलती चिंगारी के चलते आग लगने के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जैत गांव का है, जहां आज दोपहर को ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने जौ की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। खेतों से धुआं उठता देख किसानों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आनन फानन में एकत्रित हुए ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जौ की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि खेतों में बाउंड्री होने की वजह से समय से आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो ये आग दूसरे खेतों की तरफ पहुंच सकती थी और नुकसान अधिक हो सकता था। किसान राम खिलाड़ी ने बताया कि आग लगने की वजह से 10 से 12 मन जौ जलकर राख हो गए। क्या नाम आपका? राम खिलाड़ी। सर, क्या घटना हुई है? सर, यहाँ करीब आधे घंटे पहले ये जो सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट हुआ था। इसके फॉल्ट होने से इसमें चिंगारी निकली और वह चिंगारियाँ इस खड़ी फसल, जो जौ की खड़ी हुई फसल है, इसमें गिरी है और इससे उसमें आग लग गई है। तो क्या जौ पके हुए खड़े थे? पके हुए खड़े थे, बिल्कुल सूखी फसल खड़ी हुई थी, कटने योग्य बिल्कुल। और यहाँ आस पड़ोस में भी खेत हैं, ये दीवार के पीछे जैसे आप देख रहे हो उधर भी गेहूँ की फसल खड़ी हुई है। और से पूरे गांव के लोग यहां आकर के अपनी अपनी बाल्टी और पानी से आग को काबू में बड़ी मुश्किल से पाया है। और पीछे जो फसल खड़ी थी उसमें ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, लेकिन गांव वालों ने अपनी मेहनत से और पानी छिड़क करके और उसको फसल को दूसरों की को बचा दिया है, लेकिन ये सारी फसल जल गई है। दमकल की सूचना दी है, लेकिन दमकल को सूचना दिए हुए करीब आधा घंटा हो गया, अभी तक यहाँ कोई दमकल की गाड़ी यहाँ नहीं आई है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 10-12 मन जो उसमें हो जाती वो सारे जल गए। सभी जल गए? हाँ।